बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हम लेस वाला प्लेटेड पिलो बना रहे हैं, जिसके लिए हमने जो भी साइज़ का हमें पिलो बनाना है उससे 10 इंच ज़्यादा कपड़ा लिया है, 10 इंच लंबाई में और 10 इंच चौड़ाई में। इस 10 इंच के अंदर हम 3.5 इंच चारों ओर ब्लैक कपड़ा लगा देंगे, यानी टोटल 10-10 इंच ज़्यादा लेंगे। 26x16 का है तो हम 26x36 का लेंगे, यानी 10 इंच चौड़ाई में ज़्यादा और 10 इंच लंबाई में ज़्यादा, और 2-2 इंच पे हम लाइन कर लेंगे। ये ब्लैक कपड़े से 2 इंच दूर पहली लाइन करेंगे और उसके आगे भी 2-2 इंच पे हम लाइन कर लेंगे। अब 2 सेंटीमीटर पे हम सिलाई करेंगे, यानी आधे इंच से ज़्यादा लाइन पे फोल्ड करेंगे और उससे 2 सेंटीमीटर पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने 2 सेंटीमीटर पे सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह आप दूसरी लाइन पकड़िए और उसको भी 2 सेंटीमीटर पे सिलाई लगाइए। इस तरह बीच में गैप भी बनेगा और हमारी लाइनें भी कंप्लीट हो जाएगी। हम दूसरी लाइन भी इसी तरह बना रहे हैं। दूसरी लाइन फोल्ड की हमने और दो सेंटीमीटर पे हमने सिलाई कर ली। ये पैटर्न आप प्लेन कपड़े में भी बना सकते हैं, प्लेन कपड़े में बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप उस पर बनाइए या प्रिंटेड पे बनाइए। ये हमने दूसरी सिलाई भी कर ली है। इसी तरह सारी सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, एक प्लीट दूसरी प्लीट के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने चारों प्लीट बना ली है। अब इस पर आपको लेस लगाना बताएंगे, चारों पे इस तरह लेस लगानी है। ये हमारी लेस मिडल में पाइपिंग वाली है, यानी उपसा हुआ हिस्सा है लेस के ठीक बीच में, पाइपिंग की तरह है। तो इसके लिए हम दाब चेंज करेंगे, इसे पाइपिंग दाब कहते हैं, इसे हाफ दाब भी कहते हैं। और ये जहाँ पे सिलाई का मटेरियल मिलता है वहाँ पे हमें मिल जाता है। तो हमने चेंज कर दिया है और इस तरह हम रखकर सिलाई लगाएंगे। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों दाब मिलता है। अगर आप राइटी हो तो राइट साइड का लो, और लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो लेफ्ट हैंड वाला दाब लो। इस तरह हमें काम करना आसान हो जाता है, काम में फिनिशिंग भी आती है और बहुत खूबसूरत लगता है। पाइपिंग भी बनाओगी तो बहुत खूबसूरत बनेगी, और इससे एकदम किनारी पे सिलाई लगती है ठीक पाइपिंग के बाजू में। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। ये हमने लेस लगा दी है, देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है। इसी तरह हम दूसरे में तीसरे में सभी लेस लगा देंगे ऐसे रखकर, ये दूसरी। तो हमने चारों लेस लगा दी है, देखिए एक बराबर आई है। अभी हम साइड में सिलाई लगाएंगे, तो कपड़े को घुमा लीजिए और दूसरी तरफ भी इस तरह सिलाई लगा दीजिए। सारा नीचे का कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड करें, ऊपर का कपड़ा ऊपर, ताकि डबल सिलाई ना हो जाए। ये दूसरा, ये देखिए कपड़ा पूरा पीछे इस तरफ नीचे की तरफ सरका कर हम सिलाई करेंगे। अगर आपके पास सिंगल दाब है और कोई एक ही तरफ का है तो इस तरह कपड़ा घुमाकर हम राइट या लेफ्ट में सिलाई लगा सकते हैं। तो एक दाब से भी हमारा काम हो जाता है। तो इसी तरह सभी लेस पे हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह 2 इंच दूर और एक लेस लगाएंगे। ये सीधे कपड़े पे हम लगा रहे हैं, पहले हम आड़े में लगाए हैं, अब ये सीधे पे लगाएंगे। तो वहाँ पे भी आप लाइनें कर लीजिए 2-2 इंच दूर और इस तरह लेस लगा लीजिए।
ये पैटर्न बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करिए। बिना लेस से भी बना सकते हैं और लेस के साथ भी बना सकते हैं। ये हमने आपको लेस के साथ बना के बताया है। आपको पसंद आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और इसी तरह अच्छे अच्छे पैटर्न बताएंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें। ये देखिए एक लगा ली है, अब यहाँ से दूसरी लाइन फोल्ड करके हम इस तरह लेस लगा लेंगे और फिर ये धारी की सिलाई लगा रहे, कपड़ा घुमाकर सारा कपड़ा अंदर की तरफ रखिए और दूसरी तरफ लेस के ऊपर सिलाई लगाइए। ये दूसरी सिलाई लगा रहे हम। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है यहाँ पे। इसी तरह सभी लेस तैयार कर लीजिए। स्पेसिंग एक बराबर रखिए, इससे खूबसूरती अच्छी आती है। अगर आपके पास कपड़ा बच जाता है तो एक प्लेट ज़्यादा ले सकते हैं, 4 या 5, ताकि हमने चारों ओर ब्लैक कपड़ा लगा दिया है तो कपड़ा बचता है तो 5वीं लाइन भी बना सकते हैं। तो हमारे पास एक तरफ कपड़ा बच गया है तो हमने एक तरफ 5 लाइन बनाई है और एक तरफ 4 लाइन। अब ये घुमाकर धारी की दूसरी तरफ सिलाई मारेंगे हम। इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हमने बनाई है प्लेट में, वैसी प्लेटेड लेकर अलग अलग डिजाइन में बनाइए आप भी। प्लेटिंग में बहुत अच्छी डिजाइन बनती है, इसके आगे भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। देखिए हमने ये पूरी लेस लगा ली है। अब बैक साइड कवर करने के लिए ये हम कपड़ा लगा रहे हैं, इसे चारों ओर इस तरह सिलाई लगा दीजिए। ये हमने सिलाई लगा दी है, ये देखिए हमने इसमें तकिया डाल दिया है। कितना खूबसूरत लगता है, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा तो आप भी बनाइए। दुआओं में हमें याद रखिए और हमारा चैनल देखते रहिए। इसके पहले भी डिज़ाइनर पिलो कवर में हमने बहुत अच्छे अच्छे प्लेटेड वाली डिज़ाइन डाले हैं, तो आप ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए आपको डिज़ाइन कैसी लगती है। इंशाल्लाह इसके आगे भी हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाएंगे, तो हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।